छपरा थाना अंतर्गत सावन जो कुख्यात अपराधी हैं सावन ठाकुर, तकरीबन 19-20 कांडों में ये वांछित रहे हैं, इनके संलिप्तता रही है। उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में गोली चली है। सावन ठाकुर को गोली पैर में लगी है और फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान भी शराब के धंधेबाजों को पकड़ा जा रहा है। इसी बीच जिले में शराब तस्करों और पुलिस के बीच कटरा थाना क्षेत्र के यजुआर गांव में मुठभेड़ हुआ है। इस एनकाउंटर में शराब माफिया सावन ठाकुर को पुलिस की गोली लग गई है। खबर के मुताबिक शराब कारोबारियों की ठों में लगी पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब का धंधा करने वाला सावन ठाकुर अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। पुलिस ने सूचना को पहले कंफर्म किया, फिर सावन ठाकुर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के नेतृत्व में आनन फानन में टीम बनाई गई और शराब तस्कर सावन ठाकुर की घेराबंदी शुरू कर दी गई। पुलिस की हलचल को देखकर सावन ठाकुर को इसकी भनक लग गई। पहले तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खुद को चारों तरफ घिरता देख सावन ठाकुर ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायर शुरू कर दिया। पुलिस की गोली से घायल सावन ठाकुर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सावन ठाकुर को शंभू मंटू गिरोह का गुर्गा बताया जाता है। पुलिस की गोली से घायल सावन ठाकुर पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और पुलिस को इसकी पहले से ही तलाश थी। थाना अंतर्गत सावन जो कुख्यात अपराधी हैं सावन ठाकुर, तकरीबन 19-20 कांडों में ये वांछित रहे हैं, इनकी संलिप्तता रही है। उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में गोली चली है। सावन ठाकुर को गोली पैर में लगी है और फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल यही स्थिति। कितने लोगों की गिरफ्तारी है? टोटल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कुख्यात सावन ठाकुर जो कुख्यात अपराधी है सावन ठाकुर, उसकी अरेस्टिंग हुई है।